एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार यह भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। 1 जुलाई 2021 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत महंगाई राहत का भुगतान 28% का बढ़ोतरी करते हुए 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स इनको भी हम लोग प्रदेश शासन की ओर से भत्ते की व्यवस्था इनको हम देने जा रहे हैं। 2016-17 में 17% से अधिक यानी 17.5% से अधिक बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% से नीचे आई है। और सरकार इस बारे में जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और कोरोना से जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों के लिए सरकार लेके आई, उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार है जिसने लागू किया, उन गरीब बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों के लिए 4,000 रुपये मासिक एक छात्रवृत्ति भी सरकार ने घोषित की है, और उसकी पहली 3 माह की किस्त उन बच्चों को दे भी दी गई है। निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी हम एक योजना लेकर के आ रहे हैं, अभियान चल रहा है, बहुत जल्दी हम उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कोरोना कालखंड के अंदर जो लोग कोरोना के बगैर जिन लोगों का जीवन अमूल्य जीवन समाप्त हुआ उनके परिवार में भी कोई बच्चे इस प्रकार के होंगे उनको भी हम आच्छादन के लिए योजना लेके आए हैं, उनको भी हम कवर कर रहे हैं। किया था एक बात जो बेरोजगारी की बात हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने शुरुआती भाषण में की गई थी और कांग्रेस की नेत्री कह रही थी कि नौकरी कहां लगी है। देखिए 1.5 लाख हम लोगों ने शिक्षक भर्ती किए हैं, 1,26,000 के आसपास बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक उच्च और तकनीकी शिक्षाओं को लेंगे 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। पुलिस आरक्षी पुलिस सब इंस्पेक्टर डिप्टी SP आदि की जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई लग 1.5 लाख से ऊपर इनकी भर्ती हुई है। 3 लाख तो यही दो विभागों का मैं आपको दे दे रहा हूं, बाकी अन्य सभी विभागों को अगर आप देखेंगे इसमें विद्युत विभाग भी है, जल शक्ति विभाग है, अन्य सभी विभागों को अगर आप देखेंगे तो अन्य सभी नियुक्तियों को लेकर के 4.5 लाख पंक्ति है, 4.5 लाख लोगों से कम की नौकरी नहीं मिली है और नौकरी की प्रक्रिया निरंतर आगे चले, सरकारी नौकरी है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, किए गए रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर हुए निवेश निजी निवेश सरकारी निवेश के कारण 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को वहां पर नौकरी और रोजगार से जोड़ने का कार्य भी हुआ है और 60,00,000 से अधिक नौजवानों को सतत रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया है। और मैं तो ये सोचता था कि कांग्रेस नेत्री महिला होने के नाते मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि पुलिस की भर्ती में 20,000 तो केवल महिला आरक्षी भर्ती हुए हैं और 20,000 से अधिक, आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए था कि अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में 33% महिला आरक्षण है और महिलाओं में अगर आप देखेंगे प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों में 46% जीते हैं, ब्लॉक प्रमुख में 56% जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष में और भी ज्यादा जीते हैं। अब इतनी अधिक संख्या महिलाओं का पत्र, इनको भय हो सकता महिलाओं से? आपको भले न हो, हम तो कर रहे हैं, नहीं आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं
लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा। ये परिस्थितियां बदली हैं। अब हम देख रहे थे हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। एक गरीब जाएगा वहां पे, एक गरीब रहेगा वहां पे, एक दलित रहेगा वहां पर। यह है सामाजिक न्याय। 2016-17 में 17% से अधिक, यानी 17.5% से अधिक बेरोजगारी दर थी उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5% से नीचे आई है। और सरकार इस कार्य को, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा दुनिया उनके लिए पांव पलके पिछा करके बैठा हुआ है, आएगा उसको हम रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार हम दे रहे हैं, और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को अपने प्रदेश के उन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं को हम समर्पित कर रहे हैं, जिनके लिए कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है, प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। सफलता तो तुम्हारी बात में है, जज्बात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, हम लोगों ने एक निधि का गठन किया है, सरकार के स्तर पर 3000 करोड़ रुपए की लागत की यह एक निधि प्रारंभ हो रही है। 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, और उसकी आवश्यकता के अनुरूप डिजिटल एक्सेस भी उसको फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और उन सभी नौजवानों के लिए हमारी सरकार यह भी व्यवस्था कर रही है कि हमारा नौजवान जब किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जाएगा तो उसको हम भत्ता भी देंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने के लिए एक नौजवान को कम से कम 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए भत्ता देने का काम सरकार करेगी। दूसरा, इस प्रदेश के अंदर कितना अच्छा काम किया था निगरानी समितियों ने, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, और उन लोगों ने अल्प मानदेय पर, जब मैं देख रहा था विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे मैं मानता हूं बहुत सारे लोग कोरोना से संक्रमित हुए, मैं स्वयं बहुत संक्रमित हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो हिम्मत ही हार दी थी, लेकिन तब भी गांव गांव घर घर समितियां जा रही थी, निगरानी समितियां जा रही थी, तो उसमें जो बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायक कार्यकर्ती, आशा, आशा संगनी, पीआईडी जवान, रोजगार सेवक, यानी जो अल्प मानदेय पर कार्य करने वाले थे, इन सबके मानदेय पर बढ़ोतरी करने का काम सरकार करेगी। महोदय, मुझे एक और यहां पर घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों ने इस दौरान तमाम चीजों को कार्य किया है, तो सब जानते हैं किससे नाराज है, जानते हैं वो जानते हैं। महोदय, कोरोना कालखंड के दौरान सभी विपक्षी नेता होम आइसोलेशन में थे, अरे आप अपवाद मानते हैं, फील्ड में नहीं थे, नहीं काम ज्यादा दर्द नहीं कर रहे थे, भयभीत थे, लेकिन
हमारे सरकारी कार्यालय चल रहे थे, सरकारी कामकाज चल रहे थे, सरकारी कार्यक्रम निरंतर चल रहे थे। और इसलिए सरकार ने तय किया है कि 1 जुलाई 2021 से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत, महंगाई राहत का भुगतान 17% जो संप्रति था इसमें 11% का अतिरिक्त बढ़ोतरी करते हुए 28% का बढ़ोतरी करते हुए 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स इनको भी हम लोग प्रदेश शासन की ओर से भत्ते की व्यवस्था इनको हम देने जा रहे हैं। और ये उन अधिवक्ताओं के लिए जिन्हें सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत कुल 1.5 लाख रुपए की राशि थी, हम इसको 5 लाख रुपया कर रहे हैं। और मैं इसके लिए अपने अधिवक्ता समुदाय का भी अभिनंदन करता हूं। महोदय, हम लोगों ने तय किया है हर विद्यालय में, संस्कृत के विद्यालय में जितने शिक्षक पद खाली पड़े हुए हैं, हम लोगों ने जिले के अंदर ही टीम गठित कर दी है। प्रबंधक की अध्यक्षता में जिले के अंदर की टीम तत्काल उन शिक्षकों की मानदेय पर पहले चरण में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करे और उसमें कहीं कोई कोताही न बरती जाए। जिसको रोक लगाए थे हम लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया। दूसरा, संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उन बच्चों के लिए भी सरकार ने एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है और उसका प्रावधान भी इसमें आज किया जा रहा है।